आपके लिए चाय लाई हूँ, इससे आपके सर का दर्द भी सही हो जाएगा। पिए और मेरी जान छोड़े इन फजूल के सवालों से। हाफिज, मेरी जो तबीयत है वो अजीब सी हो रही है, भूजल सी। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में एक बोझ सा है। इसीलिए तो कह रही हूँ चाय पी लें, ऑफिस से आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए सर में दर्द हो रहा होगा। हाँ हाँ शायद। मुझे लगता है कि चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए मुझे, हो सकता है किसी दवा का रिएक्शन हो, वरना आफरीन मैं इस तरह हर रोज सोता नहीं रहता हूँ। क्या हो गया है वकार? मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। जाहिर है जब इंसान फ्री होगा तो नींद तो आएगी ही ना उसे, और मैं आपको बाहर भी जाने का कहती हूँ तो आप मना ही कर देते हैं। मेरा दिल नहीं चाहता व्हील चेयर पे बैठ के बाहर जाऊं, मेरा दिल चाहता है कि अब मैं अपने कदमों पे चलूं। बहुत वक्त हो गया आफरीन। इंशाल्लाह वकार, वो दिन भी जल्द आएगा। क्या आपको नींद आ रही है? हाँ शायद नींद तो आ रही है। मानो कहीं जा रही हो? हाँ मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप के लिए। अकेले जा रही हो? अपरार साथ नहीं जा रहा? नहीं वो थोड़ा मसरूफ है तो मैं अकेले जा रही हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं तुम वकार भाई के पास रखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी। नहीं कोई बात नहीं, आंटी को बोल दूंगी, वो वकार के साथ रह लेंगी थोड़ी देर। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह अकेले जाओगी क्या? क्या हुआ तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे पे बहनों वाली फिक्र देख के मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम दो मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ बस। परेशान लग रही हो। हाँ मैं अब्रार का सोच रही थी, अगर उसे इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत परेशान होगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं अब्रार को मजीद परेशान करूँ। हाँ लेकिन उसे एतमाद में लेना भी तो जरूरी है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ दिन पहले परेशान रही हूँ तो शायद उस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गई होगी। थोड़ी एहतियात करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम प्लीज किसी को भी मत बताना इस बारे में। मानो ये बातें छुपाने की नहीं होती है, तुम्हें अभी से बता देना चाहिए कि अगर कल को तुम्हें कोई फैसला लेना पड़े तो सबको मालूम। कैसा फैसला? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस फैसले की बात कर रही हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं। मानो तुम जिसे खुदगर्जी कह रही हो ना वो समझदार है, जान है तो जहान है। प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और तुम भी इस बहस को खत्म करो।